औद्योगिक नगरी पीथमपुर में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। मकान मालिक और किरायेदार के बीच की मारपीट में राजनीतिक रंग ले लिया है। किरायेदार और मकान मालिक का झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और किरायेदार और मालिक के खिलाफ क्रश मुकदमा दायर कर मामले को किसी तरह शांत किया है। दरअसल पूरा मामला कुछ यूँ है कि पीथमपुर की क्षेत्र छाया कॉलोनी में कमल गुर्जर नामक व्यक्ति का मकान है, जिसे किराए पर रेखा सोनी नामक महिला को दिया हुआ है। मकान मालिक कमल गुर्जर और किरायेदार रेखा सोनी दोनों ही पक्ष थाने पर पहुंच गए, एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाते रहे। दोनों लोगों के अपने अपने तर्क थे। मकान मालिक गुर्जर का कहना है कि मेरे द्वारा मकान खाली करने का कहा गया तो मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरे खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुँच गई। रेखा सोनी का कहना है कि मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई और उल्टा उनके द्वारा मुझसे मारपीट की गई है। वहीं किरायेदार रेखा सोनी का कहना है कि कमल गुर्जर का मकान खाली करने का कहकर गया था, उसके बाद ही उसने अपने गुंडों को शराब पीकर भेजा और हमसे मारपीट की। मकान खाली करने का कहा है जबकि हमारे द्वारा किराया दे दिया गया है। कोरोना जैसी बीमारी के चलते अब हम ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये मकान मालिक पर मारपीट का आरोप लगाया गया था, इसमें क्या है? कमल गुर्जर मकान मालिक है और सत्येंद्र सोनी उसका किराएदार है। इनमें आपस में मकान मालिक की शिकायत कर दी होगी नगर पालिका में, जिससे उसका नुकसान हो गया। इस बात पे कल कुछ विवाद हुआ सत्येंद्र सोनी और कमल गुर्जर का, तो दोनों जो है थाने पे पार्टियां आई और रिपोर्ट लिखाई। दोनों की अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। जो सत्येंद्र सोनी के द्वारा आरोप लगाया गया उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कर दिया गया और कमल गुर्जर की तरफ से भी अपराध दर्ज हुआ है। अब इसमें उसकी महिला का भी बताया उल्लेख किया गया है। बाद में सत्येंद्र सोनी और ये जो बाद में ये बात कहने लगे कि हमारी महिला के पत्नी के साथ कुछ मारपीट किया, छेड़छाड़ किया, उस पर भी अभी अनुसंधान किया जा रहा है कि अगर सही बात है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पक्ष को पुराने भी आरोप दर्ज है थाने में। हरियाणा पक्ष जो सत्येंद्र सोनी है ये काफी शिकायती प्रकृति का है, इस पर सट्टे के अपराध हैं, बगदून में भी मारपीट का अपराध है और मुझे लगता है कि ये कुछ एविडेंस और ज्यादा क्रिएट करके महिला को आगे करके आरोपी बनवाना चाहता है कमल गुर्जर या अन्य लोगों को, तो इस पर निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। नाम थाना प्रभारी चंद्रमांचिक चढ़ारा की और उसके साथ मारपीट की, क्या है पूरा मामला? आरोप पूर्णतया निराधार है। वस्तुतः कमल गुर्जर के यहाँ किराए से रहती है। कमल गुर्जर का बिल्डिंग मटेरियल्स का भी काम है, कमल गुर्जर का बिल्डिंग मटेरियल का सामान बाहर रखा था। इन्होंने कमल गुर्जर के यहाँ किराए से रहते हुए भी कमल गुर्जर के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। पूरे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत करने के आदतन अपराधी है। पहले भी धीरेन्द्र जी रघुवंशी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर चुकी है। सट्टा चलाती है, सट्टे का थाने में केस दर्ज है और भी बहुत सारे दो तीन केस थाने में दर्ज है। आदतन अपराधी है और इस प्रकार की हरकतें करती है। उनका कांग्रेस का राजनीति करना अलग बात है, मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ, जो सच है उसके साथ खड़ा रहता। अच्छा, क्या ये लॉकडाउन पीरियड के किराए को लेकर ये पूरी मामला हुआ है? लॉकडाउन का किराया तो मांगा ही नहीं ना। नहीं, माफ कर दिया गया था आप लोगों को? माफ नहीं करा है, मांगा नहीं किराया, उन्होंने दिया भी नहीं और मांगा भी नहीं। विवाद का कारण क्या बना? विवाद कारण बिल्डिंग मटेरियल से, और उसका किराया मांगा तो बोले हम खाली कर देंगे 15 तारीख को, हमारा खाली भी नहीं करेंगे और किराया भी नहीं देंगे। अच्छा, अभी आप यहाँ आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं थाने? भाई मेरे कार्यकर्ता के साथ अगर कोई भी गलत करेगा और वो अगर अकेला आता तो मैं नहीं आता, कांग्रेस के नेताओं के साथ आया, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आपका नाम? अमृत जैन, पूर्व सांसद प्रतिनिधि नगरपालिका पीथमपुर। मामला बताने के पहले बताऊंगा, जिस प्रकार उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी और फिर जंगल राज आएगा, उसका कल जीता जागता मामला आया है पीथमपुर के अंदर। मकान मालिक द्वारा किराएदार को 3-3 बार निर्ममता से मारा गया, पीटा गया, कई 100 डायल वगैरह करने के बाद पुलिस द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की गई। मेरा कहना है कि अगर पुलिस थाने के सामने अपराधी आके फरियादी को मार रहा है, पुलिस का रवैया क्या होना चाहिए वो बिल्कुल कुछ नहीं। महिला बता रही कि मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, उस मामले पर कोई बयान दर्ज नहीं। पूरी तरह मामला भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में छोटा मुकदमा बनाया गया है। मैं पीड़ितों के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ और थाना प्रभारी जी से निवेदन किया है कि इस मामले को सत्यतापूर्वक आप जांच करें और इस महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसे उसका इंसाफ दिलाएं। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कल से यहाँ पर आकर उद्दंडता मचाई, प्रेशर बनाया, प्रभाव जमाया और आज तक थाने पर जमा होकर आरोपियों को बचाने की कोशिश करी, ये पूरी तरह मध्य प्रदेश में जंगल राज का संकेत देता है। और मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष
आगाह करना चाहता हूं कि इस पीथमपुर के अंदर किसी भी प्रकार का जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शासन प्रशासन का ये रवैया रिया तो हम हर बड़ा और कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। किन किन लोगों ने मारपीट की है? इनके साथ कमल गुज शाम के गई थे, शाम के गए मकान मालिक मेरे से बोला कि कमरा खाली कर देना, पहले मेरे आदमी से करके आया, फिर मेरे घर आया, बोला कमरा खाली अभी करना, तत्काल बिल्कुल कर देना। मैं बोली सर मैं तो तत्काल कमरा कहाँ से ढूंढ पाऊंगी, मेरे को दो रोज का समय दे दो, मैं कमरा खाली कर दूंगी, आपके दिन कहे कर दूंगी खाली मैं, और अभी बोलो तो अभी मैं कमरा नहीं ढूंढ सकती, मेरे को कमरा भी कोई ना देगा या कोरोना के वजह से है। बोले नहीं तू अभी तत्काल कर, इतना कह के वो चला गया। फिर वापस आया है 6-7 के बीच में, दारू पी के 7-8 आदमी आए थे है? तो मेरे साथ मारा या झीका झपटी, बोले कि तू कमरा खाली अब ना करना ठीक है। या गुज्जर आया मकान मालिक, कमल गुज्जर आया है, हाँ कमल गुज्जर आया, बोला कि ठीक है अब तू कमरा खाली ना करना, अच्छे से रहना, तेरे को कोई परेशान ना करेगा है, इतना बोला। फिर इसके बाद उनके नौकर आए, कह रहे हैं कमल गुज्जर बोला कि यह ऐसा कर कि तू हमारे साथ ऐसा काम कर ले, आ तू किराया ना देना, तेरे सब किराया माफ हो जाएगा, आ तेरे को कोई परेशान ना करेगा यार, आ तू अच्छे से रहना, तू मेरे साथ ऐसा कर। तो मैं फोन लेके इनको फोन लगाने लगी तो कमल गुज्जर मेरे हाथ से मोबाइल छुड़ा लिया है, और लड़की रही तो लड़की अंदर रही मैं, तो फिर लड़की भाग के पापा के पास गई है, पापा को बताने के लिए कि पापा ऐसा ऐसा काम हो रहा है, एक अंकल इतने आदमी को लेके गए हैं, मैं नहीं पहचानती थी, वो मुहिम में मास्क से सब कपड़ा बांध थी। आप लोगों साथ मारपीट करी? हाँ मेरे साथ मारपीट की थी, कमल गुज्जर मेरे को झिंका झपटी करी और दारू पी के गया था मेरे कमरे पे। मेरा रेखा सोनी नाम है, तो मेरे को न्याय चाहिए सर बस। जो आरोप लग रहे हैं, महिला आरोप लगा रही है कि आपने उसके साथ मारा पीटी की, जाटी की कोशिश की, क्या क्या मामला क्या है ये पूरा? ये अपने किराए से रहते हैं वहाँ पर, क्या सारे किराएदारों को परेशान कर रखा है, और 6 महीने से किराया नहीं दे रहे मेरे को। मैंने कहा ठीक है लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप खाली कर दीजिए, बोले मैं हम खाली नहीं करेंगे, नीचे जो किराएदार हैं उनको सबको परेशान करा, उनको ऊपर शिफ्ट करा, मैंने मत मगजमारी करो इनसे, बोलता बोले भैया किराया अगर आपने मांगा तो मेरी लेडीज़ को खड़ी करूँगा मैं और आपको फंसवा दूँगा। पहले भी 2-3 लोगों को बोले सुन लेना आप, बोले उनको फंसवाया, बोले हमने ये काम है, बाकी आपसे बने वो कर लो, मैं खाली नहीं करूँगा। उनका कहना है कि वो किराया पूरा दे चुके हैं, उसके बाद भी आपने जाती करी, उनके पास रसीद होगी, किराया अगर दिया होगा तो रसीद होगा, लॉकडाउन में किसी से पैसे कोई लिए ही नहीं, कहाँ से पैसे देंगे। उनका कहना है कि हमको खाली करना था इसलिए उनने रसीद नहीं दी। रसीद सभी को मिलती है, रसीद क्यों नहीं दी? महिला ने मारपीट का आरोप भी लगाया। महिला ने कल ही मेरे को बोल दिया था कि तुमको फंसाऊंगा, मैं थाने जाऊंगा और तुम सब लोगों को फंसाऊंगा, मेरे को किराया माफ़ करो। मैंने ठीक है किराया मत दो, आप खाली करो, तो वही करके वो ये थाने पे आ गए। जब कल मैं आवेदन देके गया थाने पे कि साहब कृपया इनको खाली करवाए जाए यहाँ से, प्रेम से रोज रोज मगजमारी करते, सारे किराएदारों को परेशान करते, सब्जी के नाम पे वहाँ पे सट्टा चलाता, मैंने कब तक परेशान होंगे मेरे किराएदार, 10 किराएदारों ने खाली कर दिया मेरे, महिला को लाके खड़ी करके बोले तुमको फंसाऊंगा, ये काम है इनके। आपने पहले बोला था कि थाने पे आपने मोबाइल छीना, कुछ आरोप लगा था थाने पे मोबाइल कब छीना मेरे को? आपका नाम बता दीजिए। नहीं मेरे को ये आपका नाम बता दीजिए। कमल गुजर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।